हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमोरल टेल्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 1973 में रिलीज हुई थी। इसे आईएमडीबी पर 10 out of 5.6 की रेटिंग्स मिली है और रोटन टोमेटोज पर ये 56% फ्रेश है। इस मूवी में हमें 5 कहानियां सेक्स और हवस से भरी हुई मिलती है। ये एक फ्रेंच मूवी है और इसकी कैटेगरी हमें ड्रामा रोमांस देखने को मिल जाती है। अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की पहली कहानी एक कजन भाई बहन की है। ये दोनों कहीं घूमने जा रहे होते हैं और समुन्दर के किनारे पहुंचते हैं। उसका भाई जूली को कुछ दिखाने वहां लाया था, पर बहुत देर चलने के कारण जूली थक जाती है और समुन्दर में नहाने जाती है। फिर उसका भाई उसे जल्दी बाहर आने को कहता है, वरना वो बीमार पड़ जाएगी। और वो जूली से उसके गीले कपड़े भी खुलवा लेता है, पर बाकी का जो कपड़ा बचा था वो काफी ज्यादा हल्का था, जिसमें से सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। ये देखकर उसके भाई का मूड बनने लगता है और वो जूली के गालों को सहलाकर उससे इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद जूली भी अपने भाई का साथ देने लगती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि जब इंसान के अंदर का शैतान जागता है तो इंसान से बड़ा कोई जानवर नहीं होता। वो अपने रिश्ते नाते सब कुछ भूल जाता है। ये मूवी अपने नाम की तरह इमोरल है। अगर आप इसमें कुछ भी अच्छा देखना चाहते हो तो इसमें आपको कुछ भी अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। एक पाप और हवस से भरी हुई मूवी है, तो आप इसे एज एंटरटेनमेंट पर्पस ही देखें। मैं आपको इस मूवी के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ही है आपको बताने का। दुनिया में ऐसी वाहियात मूवी भी मौजूद है। दूसरी कहानी में हमें एक वर्जिन लड़की को दिखाया जाता है जो कि चर्च की चीज़ों को बहुत ही गलत इंटेंशन से छूती है। फिर इसकी माँ इसे पीटते हुए एक कमरे में बंद कर देती है। ये बहुत रोती है पर इसकी माँ दरवाजा नहीं खोलती। फिर ये एक डॉल निकालती है और उसे एक इंसान इमेजिन करके उसे किस करने लगती है और ये आदमियों की तस्वीरों को बहुत ही गलत तरीके से छूती है। फिर दरवाजे के नीचे से इसकी माँ इसे 2 खीरे देती है। फिर ये लोगों की नंगी तस्वीरों को देखती है और मास्टरबेट करने लगती है। फिर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और वह उस खीरे का यूज़ करने लगती है, जिससे कि वो खीरा आखिर में टूट जाता है और तब जाकर इस लड़की को शांति मिलती है। अगले दिन वो लड़की घर से शहर की तरफ भागती है, तभी उसे एक आदमी पकड़ लेता है और उसके साथ गलत करता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगली स्टोरी एक लड़की और एक मॉन्स्टर की है। वो लड़की अपने घर के बाहर एक बकरी के बच्चे को देख रही थी, तभी वो बच्चा जंगल की तरफ भाग जाता है। वो लड़की उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक मॉन्स्टर ने उस बकरी के बच्चे को मार दिया है और उसे खा रहा है। ये देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर वो मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। वो मॉन्स्टर उस लड़की को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करता है। थोड़ी देर बाद लड़की को भी मजा आने लगता है और वो भूल जाती है कि वो एक मॉन्स्टर के साथ इंटीमेट हो रही है। काम खत्म हो जाने के बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगली स्टोरी एक रानी की है जो कि लड़कियों के खून से नहाती है। रानी अपने सैनिकों के साथ एक गांव में आती है और सैनिकों को कुछ लड़कियों को पकड़कर लाने को कहती है। सैनिक कुछ लड़कियों को पकड़कर रानी के सामने लाते हैं। रानी उन सभी लड़कियों के कपड़े उतारकर उन सभी के आगे पीछे चेक करती है और उनको महल के अंदर लाती है। रानी के साथ एक लड़की होती है जो कि रानी के सभी काम करती है। वो उन सभी लड़कियों को साफ करवाती है। फिर रानी उनके पास जाती है। वो सारी लड़कियां नंगी होती है सिवाय रानी को छोड़कर, और रानी उन सभी लड़कियों से कहती है कि मुझे लूट लो, और सारी लड़कियां रानी के शरीर से सारे कपड़े और सारा सामान लूट लेती है। फिर रानी एक खून से भरे टब में जाकर नहाती है जो कि उन्हीं लड़कियों के खून से भरा हुआ था। रानी ने उन सभी लड़कियों को मार दिया था। कुछ देर बाद रानी सोने जाती है और अपने साथ अपनी नौकरानी को भी सुलाती है। फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं, पर आधी रात को वो लड़की दरवाज़ा खोल देती है और अपने दोस्त के साथ मिलकर उस रानी को पकड़वा कर कैद करवा लेती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। 5वीं स्टोरी एक राजकुमारी की है जिसकी नई नई शादी हुई होती है, पर उसका बाप और भाई मिलकर उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं, जिससे राजकुमारी एक बच्चे को जन्म देती है और ये सब इससे बहुत खुश होते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी इमोरल टेल्स मूवी का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।